को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दूं, जो कि आप लोगों कुछ मैं फुप्पो बन गई हूँ और नयान जो है वो फुप्पा बन गए हैं। आप सबने मेरी एक रिक्वेस्ट पे पापा के लिए जो दुआएं की हैं और जो जी, तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई थी क्योंकि बारिशें हो रही थी। और लेकिन जब हम जब एरा हुई थी तो हमने एरा को भी जो है ना एक्सेप्ट होगा, ये पेलोटी के नहीं है ना, मैं का जो है टर्मरिक का यूज नहीं किया है। मैं आपको दिखाऊंगी किस कदर मेरा कमरा जो है वो फैला वगैरह, क्योंकि सारी जेलीज वगैरह जो होती है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पेट में जा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने सोचा कि मैं आज का मैं कोई ब्लॉग शूट करूँ और उस चीज़ में आप लोगों को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दूँ, जो कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता चल गया होगा और कुछ लोगों को पता नहीं है। एंड इट इज़ अ बिग गुड न्यूज़ फॉर अस कि मैं फुप्पो बन गई हूँ और नयान जो है वो फुप्पा बन गए हैं। फर्स्ट टाइम है फुप्पो बनने का एक्सपीरियंस। ये फुप्पा और फुप्पो का जो वर्ड है ना, आई डोंट लाइक दिस, बदनाम है जमाना है पता नहीं क्यों। नहीं बट मैंने यही सोचा कि हम फुप्पो ही कहलवाएंगे, अप्पो जानी अप्पो ये सब कुछ, सब ऐसा लगता है अब ओल्ड हो चुका है, अब फैशन में ना कुछ ज़्यादा ही इन हो गई है। तो शाहदेव और रहमा की माशाल्लाह से बेटा हुआ है। और इस चीज़ को हमने ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि एक तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया था, उसके बाद बारिशें इतनी शदीद की थी, इतनी शदीद की बारिशें हो रही थी। एक तो पहले तो बारिश ही नहीं हो रही थी, उसके बाद बारिश ने ऐसा शुरू हुआ होना कि अब बारिश रुक ही नहीं रही है हमारे इलाके में, तो मतलब मुसलसल होती ही रहती है या तो फिर और फिर हम जा भी नहीं पाए थे, जिसकी वजह यही थी कि बारिश हो रही थी। और हुआ भी वो रात के 12 बजे तक, 30 जुलाई को रात के 12 बजे मतलब हमें न्यूज़ आई कि जनाब भाई 12 को बेटा हो गया। और हम कब से वेट कर रहे थे, मैंने तो पता है कपड़े भी एक दिन पहले प्रेस करके रख लिए थे कि जो है ना जैसे ही मतलब मुझे जाने का मौका मिलेगा मैंने फ़ौरन के ना मतलब अपनी तैयारी मैंने रेडी रखी थी। और मेहमान इस बात बहुत हंस रहे थे कि अच्छा तुमने अपनी तैयारी पहले से करके रखी हुई है। बोलने तो आगे आए जा रही हो मुझे कुछ बात करनी है, तो मैं पहले बताया था। सबसे पहले मैं लास्ट व्लॉग के रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप सबने मेरी एक रिक्वेस्ट पे पापा के लिए जो दुआएँ की हैं और जो दिल से उनके लिए आपने फातिहा खानी की है और जो कुछ उनके लिए पढ़ा है, जो कुछ भी उनके लिए दुआ की है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन पर अपना रहम करम फरमाए जिनके हालात हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं उनकी मगफरत के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। जिनके हालात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके पेरेंट्स दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए, और मेरे पापा की बेहिसाब मगफरत फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप लोगों ने मेरी एक रिक्वेस्ट पे फौरन लबैक कहा, और आप सब लोगों ने मेरी एक रिक्वेस्ट पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा उनके लिए और उनको बख्शा है, किसी ने बख्शिश की दुआ करी है, किसी ने फातिहा खानी की, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जी तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई थी क्योंकि बारिशें हो रही थी, और तो ये हुआ था कि मैं डायरेक्ट घर पे ही चली गई थी मिलने के लिए रायमा से। और हमने ना मतलब उन लोगों ने रूम वगैरह भी सजाया था, नहीं रूम नहीं घर भी सजाया था, वेलकम जो करते हैं हम अपने बेबीज़ का, जब भी हमारे कोई बच्चे बच्चे होते हैं तो वन बाई वन सबके वेलकम होते हैं। तो इस दफ़ा शादी पर रहमा के बाद बेबी की बारी थी तो उन लोगों का वेलकम किया गया। तो ये था, अच्छा ब्लॉग इस वजह से नहीं बनाया था, एक तो जाना भी इतना नहीं हुआ था, एक ही दफ़ा की मैं गई हुई हूँ, और एक तो ये होता ना देखो हमारे घर की अभी पहली खुशी है, ठीक है, तो इस वजह से हमने इस चीज़ को थोड़ा हिडन रखा हुआ था क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाती है और ऐसी एकदम से फेस रिवील कर देना या कुछ भी सब कुछ दिखा देना, तो इस चीज़ से भी ना थोड़ा सा हम अगर हाइड करके रखें बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब एरा हुई थी तो हमने एरा को भी जो है ना फ़ौरन से हमने टिकटॉक पे हम सामने ले आए थे, तो उस पर काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके ये सजेस्ट किया था कि आप लोगों ने गलत किया है और बच्चों को नज़र लग जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि नज़र तो बाहर लगती है बच्चों को भी, क्योंकि
और नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, और फिर कहते हैं जो पैलोटी का और फिर कहते हैं जो पैलोटी के बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ना एहतियात से रखना चाहिए, उनके जो कपड़े होते हैं वो हमें छत पे भी नहीं सुखाने चाहिए, मगरिब से पहले उतार के लेके आने आ जाने चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे ये सब नहीं नहीं सब कुछ ये सब कुछ रहे नहीं बातों पर कोई यकीन नहीं कि पैलोटी के बच्चे फलाम ये इसका मुझे नहीं है भाई। इसी इतना मुझे पता है कि नज़र बरहक है, नज़र जो है ना वो पहाड़ को भी खोखला कर देती है। लेकिन तो हमने यही सुना अपने बड़ों से, अपनी सास से और अपनी अम्मी से कि पैलोटी के जो बच्चे होते हैं उन लोगों का बिजली गिरती आसमान ही है। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है होगा, ये पैलोटी के नहीं है ना। मैं चलो आगे बात। अच्छा कहिए कि जो ना हमारे ये चीज़ होती है कि मतलब पैलोटी के बच्चे होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कहते हैं हल्का खून होता है और उनके कपड़े भी जो होते हैं हमें छत पे नहीं फैलाने चाहिए, अब हमें रूम में कहीं सुखा देना चाहिए, फौरन मगरिब से पहले उतार के लेके आ जाना चाहिए, सब कुछ होता है। तो भाई मैं ये सारी चीज़ें मानती हूँ क्योंकि बड़ों ने हमें सिखाया है तो हम ये सारी चीज़ सीख गए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी बोलें बड़े तो हम बोलें हाँ हाँ आपकी बात सही है, हम भी अकल रखते हैं हर चीज़ की, हम भी जानते हैं। खैर मैं अभी मुँह हाथ वगैरह धोने जा रही हूँ क्योंकि मैं अभी हम आए हैं इम्तियाज से, मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ और मैंने इस दफ़ा जो है वो एक ही न्यू फेस वॉश मतलब हिमालय का तो मैं यूज़ करती हूँ बट इस दफ़ा जो है वो मैंने फ्लेवर चेंज लिया है। अच्छा, तो अभी हमने नाम भी नहीं रखा है, अभी बता दो, नाम रखेंगे तो हम भी बता देंगे आपको क्या नाम। अभी तक हमने नाम भी नहीं रखा और शायद मैं आज अम्मी के घर पर भी जाऊँ मिलने के लिए, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा गई हूँ मिलने के लिए अपने मुन्ने से, अपने भतीजे से, हम मुन्ना ही बोलेंगे ना जाहिर सी बात है, अभी तक हमने नाम रखा ही नहीं है उसका। तो क्या अच्छा, तो अभी जैसे मैंने फेस वॉश यूज़ करना है, मैंने कहा ट्राई करने के लिए टर्मरिक का फेस वॉश ही, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा होगा, अगर अच्छा रिजल्ट हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। तो मैंने पहले हिमालय का जो है टर्मरिक का यूज़ नहीं किया है, बाकी सारे तो मैंने ट्राई किए हैं, कहते हैं हिमालय का फेस वॉश बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी किस कदर मेरा कमरा जो है वो फैला हुआ है, ये रात में भी फैला हुआ होता है, ये दिन में भी फैला हुआ होता है, मैं जितना इन सारी चीज़ों को समेट के इस दराज में रखूं, मेरी बच्ची सब कुछ निकाल के ऐसे फेंक देती है जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब हर वक्त का यही है, यहाँ पे चेयर, ये सब कुछ मतलब हर चीज़ जो है वो फैली भी पड़ी हुई है, यहाँ तक कि ये वाली ड्रॉर की भी सारी चीज़ें निकली हैं जब भी मैं कुछ रखती ही नहीं हूँ, और ये एक एक इनका फैलावा हुआ है, यहाँ इनका फैलावा है यहाँ पे इनकी, ये जो है ये मेहमान को सारी चीज़ें बहुत इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये क्या, ये क्या टॉफ़ी है ना, फ्रूटेला, क्या फ्रूटेला, फ्रूटेला ये कोई टॉफ़ी है, और इनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ गुड मॉर्निंग, वही गिर गई। अच्छा रोनी पापा ले रहे हैं, और ये जो है मैं अपनी जेलीज वगैरह लेके आई हूँ, वैसे इन्होंने ये इरहा के लिए ली थी बट मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मुझे नहीं इरहा को देंगी सारी जेलीज वगैरह, क्योंकि सारी जेलीज वगैरह जो होती है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के पेट में जाके ना स्टक हो जाती हैं, कहीं पे चिपक जाती हैं और सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो मैं इसकी जगह इन चीज़ों की जगह अवॉइड करके इसको किशमिश देती हूँ। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं सब कुछ मेरा रूम वगैरह सब कुछ फैला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी क्या करूँ, कुछ फैला हुआ है और मैं अम्मी के घर जाने का सोच रही हूँ ये सब कुछ फैला हुआ देख कर। और आज मौसम अच्छा है तो हमने सोचा कि हम आज फ्रेंच फ्राइज बना लें, फ्रेंच फ्राइज और पकौड़े हैं तो हमारे यहाँ आज वो बन रही है, शाम में आलू की चिप्स बन रहे, और हमारा थोड़ा सा नहीं बनता, हमारा बहुत ढेर बनता है क्योंकि फिर उस टाइम पे उसके बाद कोई खाना नहीं खाता, इतने सारे फ्राइज बनते हैं, इतने सारे पकौड़े बनते हैं, और यहाँ पे जो है वो पकौड़े रोटी से खाए जाते हैं, तो रोटी के साथ ही लोग पकौड़े खाते हैं, मैं तो पकौड़े मतलब रोटी के साथ नहीं खाती, चटनी होनी चाहिए लाजमी, चटनी के साथ पकौड़े हों और
जो फ्राइज होते हैं मैं ज़्यादा फ्राइज पे ही फोकस करती हूँ। तो अभी हम जो है आलू की चिप्स बनाने वाले हैं, और क्योंकि कटिंग वटिंग का सब कुछ होके रख दिया गया है, बस हमें अब हमें फ्राई करना है। जैसे सब घर में आ जाएंगे तो हम वो सारी चीज़ें फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के घर पर, अपने छोटू से मिलूँगी। और ना मतलब अभी ना मतलब ऐसा लग रहा है कि हम नए पप्पो बने, तो मतलब नए पप्पो बने तो उसकी ना मुझे खुशी ही अलग हो रही है। तो और मैं पता है बार बार जान के बोल रही हूँ, हमारा एक ग्रुप है फैमिली ग्रुप, उसमें मैं मैसेज डेली करती हूँ कि छोटी पप्पो को आज की तस्वीर भेजो, छोटी पप्पो को आज की तस्वीर भेजो, कल की तस्वीर भेजो। मतलब मैं इस तरीके से मैसेज करती हूँ, वो नहीं पप्पो चलाक वाली पप्पो हैं। और जब मैं उस टाइम जब फर्स्ट टाइम मिलने भी गई थी ना घर पर, तो हम सीढ़ियों से आवाज़ लगाती भी गई थी, उसका मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, अगर ब्लॉग शूट करती तो आप लोग को बड़ा मज़ा आता देखने में। तो मैं सीढ़ियों से ही चीखती हुई गई थी कि जो ना आज छोटी पप्पो आई है, अब तो छोटी पप्पो ये करेगी, छोटी पप्पो वो करेगी। तो मुझे इतनी खुशी है। आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोग बोल रहे, आप लोग के कमेंट्स में देख रही थी टिकटॉक पे, तो आप लोग बोल रहे थे कि जो ना आप लोगों ने तीनों में से किसी भी बहन ने वीडियो अपलोड नहीं की, ना टिकटॉक अपलोड की, ना ब्लॉग अपलोड किया। लोग बड़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बट नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हुआ? बड़ी नेगेटिव बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह यही थी जो मैंने आपको बताई कि भाई अभी हमारा पहला है और हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अलग करें नहर लग जाए। तो इस वजह से हमने अभी कुछ भी अपलोड नहीं किया, कुछ टाइम गुजर जाए हम ऐसे ऐसी चीज़ें हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा आज का ब्लॉग यही चीज़ थी आप लोगों को खुशी अपनी बताने की कि हम खुप्पो बन गए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।